अब नेक्स्ट, टीथ चीव द ग्राइंड, चीथ जो टीथ होते हैं, टीथ चीव एंड ग्राइंड द फूड, जो दांत होते हैं वो खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंड मतलब पीसना होता है तो ग्राइंड करते हैं। सलाइवा मेक्स द फूड मॉइस्ट, जो सलाइवा होती है जो खाने को मॉइस्ट करती है मतलब सॉफ्ट करती है, बस इतना ही लिखने का काफ़ी होगा। एंड द फूड फ्रॉम द माउथ गोज, अब क्या होता है, फूड फ्रॉम माउथ गोज टू फूड पाइप, खाना जो होता है वो क्या होता है कि जो फूड होता है, फूड जो होता है वो कहाँ से, माउथ से कहाँ जाता है, माउथ से जो है वो इसको एक बार थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको डेप्थ में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टीथ जो होते हैं, टीथ चीव एंड ग्राइंड द फूड, टीथ जो होते हैं वो खाने को चीव करते हैं, ग्राइंड करते हैं मतलब पीसते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर रहता है आपके घर में पीसने वाला, वैसे ही जो खाना होता, जो टीथ होता है उसका काम होता है मिक्सर ग्राइंडर की तरह खाने को चीव करना और ग्राइंड करना। सलाइवा मिक्स द फूड मॉइस्ट, जो सलाइवा होती है लार होती है आपकी, वो खाने को मॉइस्ट बनाती है मतलब सॉफ्ट बनाती है, सॉफ्टन्स इट और उसे सॉफ्ट करती है। इट हेल्प्स टू कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इंटू शुगर, मतलब हम जो खाना खाते हैं, जैसे कोई भी खाना खाते हैं, आप गोई मान लीजिए गेहूं की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें जो खा होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को जो है आपकी जो सलाइवा है लार, उसको काय में कन्वर्ट कर देती है शुगर में। फिर से देख लीजिए, आप जब खाना चबाते हैं, तो अब जब खाना चबाते हैं तो खाने में क्या होता है कि स्टार्च होता है, स्टार्च नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लार जब इस खाने में मिलती है तो जो स्टार्च होता है उसको काय में कन्वर्ट कर देती है शुगर में कर देती है, तो ये काम होता है सलाइवा का, लार का। द फूड फ्रॉम द माउथ गोज फ्रॉम द फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टमक, तो इतना लिख सकते हैं, फूड फ्रॉम माउथ एंटर्स इंटू फूड पाइप एंड फ्रॉम फूड पाइप इट एंटर्स इंटू स्टमक, फिर वो स्टमक में क्या होता है, एंटर हो जाता है, और स्टमक से क्या होता है, फूड फ्रॉम द माउथ गोज, ये स्टमक, सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक, यहाँ पे क्या होता है, स्टमक सिक्रीट्स मैनी डाइजेस्टिव जूस, बहुत सारे जूस को वो सिक्रीट करता है, कौन, आपका जो स्टमक होता है, ठीक है, और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं आपके फूड को। लिवर एंड पेनक्रियास आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव, तो यहाँ जो लिवर है, और लिवर और पेनक्रियास जो होते हैं ग्लैंड होती हैं, तो ये ग्लैंड क्या करती हैं, एक तरह का एक ग्रंथि मतलब एक ट्यूब जैसी होती हैं, जो आपके एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। पेनक्रियास और लिवर जो है, और सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में वो लिवर होती है, सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की जो ग्लैंड है वो लिवर है। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 3 to 4 आवर, जो आप खाना खाते हैं वो आपके स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है, ये जो स्टमक दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन, यहाँ पे जो फूड है वो 3 to 4 आवर्स यहाँ पर रहता है, जो इस तरह का जे शेप्ड का लिख रहा है, इसको स्टमक कहते हैं, और यहाँ पे 3 से 4 घंटे आपका फूड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद फूड रिमेन, इसके बाद फ्रॉम स्टमक द फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे फूड इज डाइजेस्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मतलब खाना जो है कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, और फिर ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और सर्कुलेटेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी में जो होता है उसको सर्कुलेट कर देता है, मतलब डाइजेस्टेड जो खाना होता है उसको, जो हमारा हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी की जो जितनी भी छोटी छोटी सेल्स होती हैं वहाँ पे सर्कुलेट कर देता है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और देयर आफ्टर सॉलिड वेस्ट थ्रोन आउट ऑफ द एनस, और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल रहता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। आप कुछ नहीं तो सिर्फ इतना सा एक डाइजेशन का प्रोसेस याद रखें कि सबसे पहले हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से जो खाना है वो कहाँ, माउथ में क्या होता है कि सलाइवा नाम की जो सलाइवा जो है वो मिक्स होती है, और सलाइवा क्या करती है, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, वो खाने को सॉफ्ट बनाती है, और क्या करती है, इट कन्वर्ट से स्टार्च इंटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती, फिर फूड फ्रॉम माउथ गोज टू फूड पाइप एंड फ्रॉम द फूड पाइप फूड गोज टू स्टमक, वो स्टमक में जाता है, जहाँ पर क्या होता है, इट रिमेन्स फॉर 3 to 4 डेज, 3 to 4 आवर्स, 3-4 घंटे वहाँ पर रहता है। इसके बाद वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड, वहाँ पर बहुत सारे जूस जो है सिक्रीट होते हैं, फिर क्या होता है, लिवर और पेनक्रियास भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। इसके बाद देन द फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और ब्लड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड जो बचा खाना होता है वो गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ से क्या होता है, इट इज़
लार्ज इंटेस्टाइन से क्या किया जाता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन से उसे इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर एनस के थ्रू उसको फेंक दिया जाता है। सिर्फ इतना सा आपको एक मेमोराइज करके चार्ट बना के आपको सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब द फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जैसे आप खाना खाते हैं तो उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, खट्टा मीठा, तभी तो मतलब खाने का मजा आएगा। तो वैसे ऐसा खाना जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है, रूफेज मतलब होता है, जैसे गाजर, वो जैसे आप मूली खाते हैं, रूफेज कहते हैं उसको। रूफेज मतलब होता है कि जैसे इसमें रेशे रेशे होते हैं जो खाने मतलब शरीर में कुछ देता नहीं है, सिर्फ हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको साफ करने का काम करता है, तो उससे रूफेज कहते हैं। ठीक है, तो ये डाइट्री फाइबर होता है। तो सिर्फ आप लिख सकते हैं, ये आपको इतना कुछ नहीं लिखना था, सिंपल डेफिनेशन, द फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, मतलब सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में रखता है, उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। इतनी भी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप करेक्ट होती है। ठीक है, मतलब जो रूफेज होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है रफेज होता है, रफेज रफेज रफीज क्या होता है, रफीज इज द फाइबर, रफीज इज द फाइबर, रफीज जो होता है वो फाइबर होता है प्रेजेंट इन द फूड, मतलब थोड़े से रेशे रेशे होता है रफीज, तो रफीज इज द फाइबर, रफीज जो होता है वो फाइबर होता है प्रेजेंट इन द फूड। इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका मतलब इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, बट हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट वेस्ट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से उसको एलिमिनेट करना मतलब बाहर करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे आप शो वगैरह देखते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता डांस शो में, उसको उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उस ग्रुप से उसको निकाल दिया जाता है। तो रफेज जो है, इसको रफेज प्रोनाउंसिएशन होगा, रफेज हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट वेस्ट, रफेज जो होता है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स किन्हें कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है आपका कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो हमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें हम न्यूट्रिएंट मतलब एसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। उसमें अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कौन देता है हमें, जैसे चावल है, रोटी है, ये क्या देती है हमें, इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। और ये जो आप खाते हैं चिकन है, अंडा है, फिश है और पनीर है, ये आपको क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। जैसे और जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। विटामिन, जैसे आप कोई भी फल खाते हैं तो इसमें जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मतलब जिससे कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। तो ब्रेड है, शुगर है, पोटैटो है, राइस है, ऑयल, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं, दो चीज़ें, एक आपका कार्बोहाइड्रेट और एक आपका फैट, ये दोनों आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एनर्जी फूड कहा जाता है। प्रोटीन रिच फूड कौन से होते हैं, जैसे घी है, चीज़ है, चिकन है, फिश है, एग्स है, मिल्क है, कैज्यू नट है, ग्राम्स है, बीन्स है, ये सब प्रोटीन रिच फूड होते हैं। और ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, आपकी बॉडी को बिल्ड करने, मसल्स बनाना है आपको, जैसे मान लीजिए आपको अपनी मसल सलमान खान जैसे बनाना है, तो आपको उसके लिए प्रोटीन वाला खाना लेना होगा। फूड रिच इन विटामिन्स, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे सारे के सारे जो आपके वो होते हैं फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, मिनरल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प अस टू फाइट डिजीज, मतलब बीमारी से लड़ने की आपको क्षमता देती हैं, ये आपको बीमारी से प्रोटेक्ट करती हैं। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं कुपोषण, मतलब पीपल हु डू नॉट ईट इनफ फूड, जो अच्छा खाना नहीं खाते, सफिशियंट इनफ खाना नहीं खाते, दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मतलब उनके अंदर क्या होता है, इस तरह की बॉडी हो जाती है कमजोर, इसको कहते हैं अपन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज, इससे क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारी ऐसी मतलब आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, इफ़ यू डोंट टेक प्रॉपर डाइट, यदि आप प्रॉपर खाना नहीं लेते